तो यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे लंच वाला एरिया। पता नहीं हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ अवर चैनल एल छोटी सी रानी अन्ना की कहानी में एक नई वीडियो के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने छोड़ी थी अपने रिजॉर्ट की और उसी का यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं रूम टूर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे लाइफ ऑफ अन्ना। तो उसी के साथ अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हमें मिलता है वॉशरूम और वॉशरूम भी हमें A1 लगा यहाँ का क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पसंद आया। और फिर क्या था, जैसे यहाँ पे बंद करा डोर तो उसी के साथ यहाँ पे अटैच था हमारा बेडरूम। और अन्ना को तो बेडरूम इतना पसंद आ गया था कि बेड से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हम औरतों का क्या भाई, शीशा जहाँ पे मिल जाए और अपने को ना ताड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हमने सोचा अरे भाई हम तो वीडियो बना रहे हैं, पहले फोकस कर लेते हैं, ऑडियंस को दिखाना जरूरी है। और इसी मिरर के चारों तरफ इतनी अच्छी लाइटिंग थी कि हमारा तो गार्डन गार्डन हो गया। और यहाँ पे हमें कबर्ड भी काफी ही अच्छी मिली थी और उसी के साथ यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पिलो कवर वगैरह मिले थे और पिलोज भी मिले हुए थे। और फिर अन्ना को देखिए यहाँ पे मस्ती करते हुए। और रामनगर में आए हो और टाइगर की फोटो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसी के साथ हमें साइड टेबल्स भी मिली थी बेड के साथ और यहाँ पे दो हमें सोफे भी यहाँ पे मिले हुए थे। तो हमें तो ये काफी ही अच्छा लगा और काफी ही सुटेबल लगा अपने लिए क्योंकि हम दो ही लोग हैं, एक हमारे साथ बेबी है तो बेबी के लिए हो ही जाता है। फिर उसी के साथ यहाँ पे हम बालकनी पे आए और बालकनी से व्यू देखने पे तो एक तरीके से कहते हैं ना दिल बहुत ज्यादा झूमने लगा कि वाह कितनी अच्छी लोकेशन है। और सामने से हमें बादल भी इतने अच्छे दिखाई दे रहे थे ना कि पूछे ही मत। काफी बड़े एरिया पे ये भी था, इसे भी कैप्चर करना बनता है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे थक थे तो हमने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का नजारा हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए थे और अगर आप लोगों को खुद बनानी है कॉफी वगैरह तो वो भी यहाँ पे थे। फिर क्या था, अन्ना की फरमाइश पे अन्ना बोली कि मम्मा यहाँ पे तो टीवी चल रहा है, प्लीज यहाँ पे टीवी ओपन कर दीजिए, फिर उसके बाद आप जो करना चाहे करिए। तो हमने सोचा कि जब तक के मैं आपको अपना वीडियो दिखाती हूँ जो मैं स्किप कर चुकी थी क्योंकि यहाँ पे हमने हेयर कट करवाया था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि आज मैं दिखाऊंगी कि हमारे कितने लंबे हेयर्स हमने कितने छोटे करवा दिए जो कि हम भूल गए थे आप लोगों के साथ शेयर करना। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसी के साथ यहाँ पे हो चुकी है हमारी फुल कटिंग और थोड़ा बहुत ड्रायर दे करके इसका फुल लुक आप सभी लोगों के सामने आने ही वाला है। और यहाँ पे भी हमारी मस्ती चालू है, जहाँ दीदी हमारी वीडियोस बना रही थी वहीं हम यहाँ पे पूरी मस्ती करे जा रहे हैं कि ये देखो भाई हम तो भूत लग रहे हैं। फिर क्या था, लो जी आ चुके हैं हमारा फुल लुक आप सभी लोगों के सामने। तो हमारे इतने लंबे हेयर्स आज बलि चढ़ चुके हैं कटिंग के। तो यहाँ पे हमारे बाल तो कट हो चुके हैं, दोबारा ले चलती हूँ आपको अपने रिजॉर्ट पे। और रिजॉर्ट पे यहाँ क्या, यहाँ तो भाई शादी वाला माहौल था नाइट पे, तो हम लोगों ने भी खूब ढेर सारी मस्ती करी। अरे भाई आप लोग इन लोगों का डांस देखेंगे ना तो आप लोग भी झूम पड़ेंगे और डांस खुद करने लगेंगे घर पे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना मत करिए। कि 10 बजे के बाद डीजे वगैरह सब बंद हो जाता है तो फिर उसके बाद जो लोगों ने यहाँ पे डांस करना शुरू करा है वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसी पे यहाँ पे हो चुका था हंगामा। तो फिर उसके बाद क्या था, जल्दी मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें।